प्रदेश की दिल्ली में राहुल गांधी की रैली, पीएम मोदी पर दिल्ली चुटकी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने इस दौरान पुलवामा आतंकी हमले का मामला भी उठाया। 5 साल पहले देश में एक चौकीदार आया और कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है। अब किसी से भी पूछ लीजिए कि चौकीदार क्या है, वह बता देगा कि चौकीदार चोर है। 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको, मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस का कमाल है कि आप लोग देश के कोने कोने में सच्चाई पहुंचा देते हो। कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना, चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। ये है कांग्रेस पार्टी का कमाल। और देखो, पहले भाषण देते थे, यूं भाषण देते थे, यूं 56 इंच की छाती है, पार्लियामेंट हाउस में यूं भाषण दे रहे थे, यूं। किसका कमाल? कांग्रेस पार्टी का कमाल। आंख में आंख नहीं मिला पाए प्रधानमंत्री, 1.5 घंटा आप वीडियो को देखो, पार्लियामेंट हाउस लोकसभा टीवी के वीडियो को देखो, 1.5 घंटा प्रधानमंत्री आंख में आंख नहीं मिला पाए, कभी यहां देखे, कभी वहां देखे, कभी यहां देखे, कांग्रेस पार्टी का कमाल। अच्छा, दूसरा कमाल सुनो, दूसरी बात सुनो, हिंदुस्तान में कुछ ही समय पहले 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इतना पैसा था कि हमारे जो प्रेस के मित्र हैं सबने मान लिया था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकती। अब सुनिए, हमने वहां कहा कि मोदी जी ने झूठे वायदे किए हैं, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, किसानों का कर्जा माफ का वायदा किया, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, और 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कर्जा माफ हो जाएगा, और इसको कोई शक्ति दुनिया में नहीं रोक सकती। हमने कहा, ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।